वेलकम टू क्विक एंड डिलिशियस क्विजीन। और आज हम एक और एक्साइटिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो है कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरे पास ये योगर्ट है, तकरीबन 300 to 400 ग्राम योगर्ट है, एक बड़ा वाला बोल है। इसके साथ मेरे पास 5 टेबल स्पून बेसन है, और यहाँ पे मेरे पास ये टोमेटो है, 1 मीडियम साइज टोमेटो, और ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है 2 टेबल स्पून। एक मैंने मीडियम साइज ऑनियन लिया, जिसको मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे स्पाइसेस में मेरे पास 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 2 to 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गर्म मसाला। यहाँ पे ऑयल है कुकिंग के लिए, और इधर मेरे पास ये जो है वो मैंने इस तरह से गार्लिक को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया तड़के के लिए। इसके साथ मेरे पास ये 5 होल रेड चिली है, जो कि मैं तड़के में यूज़ करूँगी। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिली ली है। मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपको सबसे पहले कढ़ी के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसके बाद मैं आपको जो है वो पकौड़ों के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, क्योंकि कढ़ी के अंदर जो पकौड़े डलते हैं उनमें भी इन जो है वो अलग से इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेकंड पोर्शन में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पैन में मैंने तकरीबन 1/2 कप ऑयल लिया है, और इसके अंदर मैं ये ऑनियंस डाल दूंगी। इन ऑनियंस को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी, फिर इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। कढ़ी में डालने के लिए हमने जो योगर्ट और बेसन लिया था, उसको आपने एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, और ऐसे हमने इसके अंदर ये योगर्ट डाल देनी है। और इसके साथ ही मैं ये बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह आपने ये विस्क कर लेके इसको, इन दोनों चीज़ों को आपने जो मिक्स करना है, और साथ साथ हमने यूँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। इसके अंदर हमें खूब सारा पानी डालना है, क्योंकि कढ़ी जो है वो 2 से 3 घंटे में पकती है, तभी वो अच्छी खट्टी बनती है। तो इस तरह आपने इसका लिक्विड सा बना देना है खूब सारा। तो इसमें अभी और पानी डालने की ज़रूरत है, इसमें अपने आपको एक तरफ मेरा मसाला रेडी हो गया है, दूसरी तरफ मैंने ये देखें इस तरह लिक्विड सा रेडी कर लिया है, दही और बेसन का। तो इस तरह से खूब सारा पानी डाल के आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितना पानी डाल दिया। इसको बिल्कुल मैंने लिक्विड बना लिया। तो मसाला रेडी करके हमने ये वाला लिक्विड जो है वो बेसन और दही का सालन के अंदर ऐड करना है। तो नाउ आई विल शो यू। देखिए कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसके अंदर हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने फ्रेशली ग्राइंड किया है, वो डाल दूँगी। इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के बाकी के स्पाइसेस डाल दूँ। लहसुन अदरक भी भुन चुकी है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हमने हल्का सा पानी, बिल्कुल 1/2 ग्लास से भी कम पानी ऐड करना, और सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल देने। और स्पाइसेस डाल के हमने इसको 1/2 घंटा तकरीबन 10 मिनट इसको हमने भूनना है, जिसके अंदर हमने वो बेसन और दही का लिक्विड शामिल कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी इसमें डालना, जिससे कि मसाला जले नहीं, और टमाटर वगैरह भी अच्छी तरह से गल जाए। ये सारे मसाले मैं डाल दूँ। इसमें मैं ये टमाटर भी डालूँगी, मैं इसको अच्छी तरह हिलाऊँगी, और साथ ही मैं इसके ऊपर लिड लगा के इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने भूनना है, और उसको साथ साथ चेक करते रहना है। जब तक ये टमाटर गल जाएंगे तो हम इसके अंदर वो लिक्विड ऐड कर देंगे, और मेक श्योर कि आप इसको साथ साथ चेक करें, और इसको जो है हम लिड लगा देंगे, ताकि स्पाइसेस का अरोमा जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह चला जाए। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं, और मैं इसके अंदर बेसन और दही का लिक्विड ऐड करने लगी हूँ। और लिक्विड थोड़ी नीचे बैठ जाता होता है जब आप इसको पहले से बना के रखते हैं, उसको ज़रा सा स्टर कर रही हूँ इससे पहले। और जस्ट ऐड दिस लिक्विड, और आपने फ्लेम को जो है वो हाई रखना है, और बट मेक श्योर कि आप इसको चेक करते रहें, और क्योंकि जब इसको बॉयल आता है तो ये कढ़ी जो है वो गिर जाती है,
तो फ्लेम को जो है वो फिलहाल हाई रखें, जैसे इसमें बॉयल आने लगे फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में कर दें। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे पकाना है जब तक ये कढ़ी जो है वो इसका टेक्सचर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। सो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं आपको पकौड़ों के लिए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये तकरीबन आप समझ रहे हैं 2 बॉल बेसन है, आपने अंदाजे से लेना है। पकौड़े कढ़ी में बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। पकौड़ों में डालने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है 1 1/2 टेबल स्पून, एंड रेड चिली पाउडर इज़ ऑल्सो 1/2 टेबल स्पून, क्रश रेड चिली इज़ 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास साबुत ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून, ये पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो उसका पाउडर है मेरे पास तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अजवाइन लिए मैंने यहाँ पे, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और ये साबुत धनिया जो है कोरिएंडर ये मेरे पास 1 टीस्पून है। अजवाइन अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, बट इट्स वेरी गुड। आई रिकमेंड कि आप पकौड़ों में ज़रूर अजवाइन डाला करें। सबसे पहले हम ये स्पाइसेस डाल के बेसन का जो है वो अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, थिक सा पेस्ट, और उसके बाद बेसन को हम लीव कर देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि हमारी दूसरी तरफ कढ़ी रेडी हो रही है। जितना आप इसको देर तक भिगोएं उतना ही बेसन से पकौड़े अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। आई टोल्ड यू इन माई अदर पकौड़ा रेसिपीज टू। और अब जब हम बेसन का पेस्ट बना लेंगे तो उसके बाद पकौड़े बनाने से जस्ट 2 to 3 मिनट्स बिफोर हमने उसमें ये सब चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज ओनियन लिया है जिसको कि मैंने फाइनली चॉप किया है। ये मेरे पास धनिया है और पुदीना है, दोनों को मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया है। और इधर मेरे पास 2 ग्रीन चिलीज हैं और 1 मेरे पास एग है। तो पहले हम पेस्ट बनाएंगे, मैं पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ, एंड देन वील एड दोज थिंग्स बिफोर वी मेक द पकौड़ा। बेसन में ये सब स्पाइसेस डाल के इसको जो है वो थिक सा पेस्ट बना लेना है। जितना बेसन को आप जल्दी भिगोएंगे उतना ही आपके पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। आप मेरी दूसरी पकोड़ों की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं पकोड़े बनाने के लिए। अब ये जो है इन पकोड़ों में आलू नहीं डलते क्योंकि ये कढ़ी के पकोड़े हैं, तो इनमें आलू अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसलिए आलू नहीं दिखाया आपको। अब यूँ जो है मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, एक थिक सा पेस्ट मैं इसका बनाऊँगी। केयरफुली पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना क्योंकि अगर बेसन पतला हो जाएगा तो फिर आप जब बाकी के इसमें धनिया और प्याज वगैरह डालेंगे तो फिर वो पकौड़े बहुत ज़्यादा आपके जो है ना वो मटेरियल और पतला हो जाएगा। तो आपने इसको ज़रा थिक बनाना होता है, बाद में अगर आपको ज़रूरत हो तो यू कैन ऐड मोर वाटर। मैं फ्यू ड्रॉप्स पानी के सिर्फ और डालूंगी, वेरी लिटिल। देखिए इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी ही थिक होनी चाहिए। सो नाउ आई जस्ट लीव इट फॉर 1 to 2 आवर्स, तब तक हमारी कढ़ी बनती है, फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डाल के आई शो यू हाउ टू फ्राई। देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है, इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब इसको जो है वो बस तकरीबन मैं 5-10 मिनट और पकाऊंगी और साथ साथ मैं पकौड़े बनाऊंगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पकौड़ों को हम जो है वो किस वक्त कढ़ी में ऐड करेंगे। बस थोड़ी सी देर उसको और पका के पकौड़े बना के हम इनको कढ़ी में ऐड करते हैं। पकौड़ों में मैंने प्याज और धनिया पुदीना ग्रीन चिली डाल दी, अंडा भी डाल दिया। अब देखिए इसका टेक्सचर जो है वो इस तरह होना चाहिए, इसको ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। अब मैं इसके पकौड़े बना के फिर बाद में कढ़ी में ऐड करती हूँ। हमने पैन में ऑयल ले लेना है पकौड़ों को डीप फ्राइंग करने के लिए, और इसके अंदर जो है वो हमने पकौड़े डालते जाने, और स्पून के साथ ऐसे पकौड़े डालने। मेक श्योर कि आपका तेल गर्म होना चाहिए और इट शुड नॉट बी बर्निंग, इसको बस हॉट होना चाहिए। और जब आपके पकौड़े बेस से ऊपर उठ जाएंगे तो उस वक्त आपने इनको टर्न करना होता है, फिर इनको मीडियम टू लो हीट पे पकाना होता है ताकि पकौड़े अंदर तक गल जाए और कच्चे नहीं रहें। मेरी दूसरी पकौड़ों की रेसिपी है, उसको भी आप डिटेल से देख सकते हैं कि बेस्ट पकौड़ा बनाने की रेसिपी क्या है। मैं इस पर पकौड़े डाल के फिर आपको फ्राइंग करके बताती हूँ।
देख सकते हैं कि पकौड़े बेस में से उठ चुके हैं। अब हमने इनको टर्न करना है और इनको आपने दोनों साइड से टर्न करके जब तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तब तक आपने इनको पकाना है, मीडियम टू लो हीट पे पकाना है ताकि पकौड़े अंदर तक भी अच्छी तरह से गल जाएं। सो देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ है। अब इनको निकालेंगे और मैं बाकी के पकौड़े भी फ्राई करके फिर हम कढ़ाई में पकौड़ों को ऐड कर देंगे। कड़ी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया, देखिए इसका टेक्सचर ये कितना थिक है। अब इसके अंदर मैं ये वाले पकोड़े ऐड कर रही हूँ और इसको आपने यूं ऐसे मिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा तड़का लगाने का है, गार्निशिंग करने का है, तो मैं आपको तड़का लगा के बताऊँ। के लिए मैंने पैन में घी डाला है, उसके अंदर ये मैं गार्लिक डालूँगी जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है। और गार्लिक जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसी तड़के के अंदर मैं साबुत जो रेड चिली है वो डाल दूंगी और फिर इसको हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर मैं ये साबुत रेड चिली डालती हूँ। तो थोड़ा सा लहसुन को और ब्राउन करेंगे, साथ साथ ये रेड चिली भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी। रेडी है, मैं इसको ऊपर इसको कड़ी के ऊपर पोर कर दूंगी। और इसके ऊपर हम धनिया और ग्रीन चिली डाल देंगे। तो धनिया ग्रीन चिली डाल दी है और आप देख सकते हैं कि पकौड़ा कड़ी कितनी अच्छी और डिलीशियस लग रही है। सो कड़ी पकौड़ा रेडी है। आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज लीव इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। And don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Bye-bye.